सो अगर आपने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट नहीं की है, करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कर दी है, या आगे चल के करोगे, या फिर नहीं भी करना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगी। कई लोगों ने, आप लोगों में से मुझसे पूछा था कि ऑयल पेंटिंग करने के बाद गंदी हो जाती है और उसको साफ कैसे करें या साफ कैसे रखें। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा कि अपनी ऑयल पेंटिंग को कैसे साफ रखना है आपको। तो आपको बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए कार्बन मोनोक्साइड सल्फेट। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो है क्लोरीन विथ सम सल्फेट मोनोक्साइड। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए एक ब्रश, आपको चाहिए बड्स, ये जिससे हम कान साफ करते हैं वो वाले बड्स, एंड आपको चाहिए पानी, आपको चाहिए साबुन। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको चाहिए जो आपके पास मेरे ख्याल से होंगी, नहीं भी होगी तो आप आराम से ले सकते हो। तो एकदम सही, सिंपल, इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑयल पेंटिंग को साफ रख सकते हो, कैसे मैं अपने ऑयल पेंटिंग को साफ रखता हूं, कैसे मैं अपने डेली में जो ऑयल पेंटिंग हम बनाते हैं उसको भी, और जो कमीशन वर्क हम लेते हैं प्रोफेशनल अगर आप हो तब भी, ये सारे जो टिप्स मैं बताने वाला हूं वो तब भी आपको काम आएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो मान लीजिए कि ये पेंटिंग आपने बनाई है, आपने मान लीजिए ये अभी अभी बनाई है और ये अभी बिल्कुल भी सूखी नहीं है, आपने जस्ट ही इसको ख़त्म किया है और आप इसको सुखाने के लिए रखने वाले हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये पेंटिंग आधी बनाई है और आप इसको कल या फिर कुछ दिन बाद आप इसमें बाकी की डिटेल्स करोगे और तब तक आप इसको सुरक्षित रखने वाले हो और आप चाहते हो कि तब तक इसमें कोई धूल नहीं आए, या फिर अगर आप पेंटिंग कंप्लीट कर चुके हो तो जब तक ये सूखे नहीं आप नहीं चाहते इसमें धूल आए। तो ऑयल पेंटिंग काफ़ी चिपचिपी होती है और जब तक वो सूखे नहीं आपको बिल्कुल भी उसको ऐसे सीधे छोड़ना नहीं है। अपने घर में जहाँ पे जिस रूम में सबसे कम धूल आने का आपको चांस लगे, या फिर कोई एसी रूम है तो वहाँ पे, या फिर अगर कोई घर के पीछे तरफ कोने में, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कम से कम धूल आने की चांसेस आपको दिखते हैं, उस जगह पे आपको पेंटिंग को रखना है। तो पहला स्टेप यह है कि आपको पेंटिंग को इस तरीके से मोड़ के रखना है दीवार की तरफ और ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है और कुछ भारी चीज़ सामने में रख दे ताकि ये स्लिप ना हो, सेफ्टी के लिए। इस पोजीशन में क्या है, कम से कम धूल के गिरने का चांस रहेगा पेंटिंग में और आपके पेंटिंग धूल वगैरह से बची रहेगी। अगर आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसको सूखने तक इसी पोजीशन में छोड़ दीजिए। बीच में आप टच वच करके देख सकते हो कि कहीं कोई चिपचिपाहट तो नहीं है, कहीं ये गीली तो नहीं है। अगर गीली है तो वापस वैसे ही रख दीजिए तब जब तक ये सूख ना जाए। जब पेंटिंग अच्छी तरीके से सूख जाए तो आपको एक सॉफ्ट ब्रश लेना है और ये ब्रश बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। आप इसको टच करके बिल्कुल देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट है या नहीं। ये एकदम अच्छी ब्रांड के हों या क्वालिटी के हों वो मैटर नहीं करता, बस इसके बाल सॉफ्ट होने चाहिए। आपको ये नॉर्मल किसी हार्डवेयर दुकान में भी मिल जाएंगे या फिर कोई लोकल आर्ट स्टोर है या फिर ऑनलाइन कोई सस्ते ब्रश अगर आपको दिखते हैं सॉफ्ट हेयर वाले तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। ये कीप स्माइलिंग का ब्रश मैंने ये लोकल आर्ट स्टोर से लिया था, तो ये सेम ब्रांड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो और बस उसके बाल सॉफ्ट होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तीन ब्रश रखे हैं ये आपको दिखाने के लिए कि अगर पेंटिंग बहुत बड़ी है या फिर थोड़ी मीडियम साइज की है तो दो तीन टाइप की है, दो तीन साइज के ब्रश आपके पास होंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े पेंटिंग के लिए बड़ा ब्रश इस्तेमाल कीजिए, छोटे पेंटिंग के लिए छोटा ब्रश, ऐसे में ईजी रहता है और सही तरीके से आराम से आप ब्रश को कर सकते हो पेंटिंग के ऊपर। तो ऐसे दो तीन साइज़ अगर आप रखते हो तो अच्छा रहेगा,
शुरुआत में आप एक ही साइज ले सकते हो ट्राई करने के लिए। जब पेंटिंग अच्छे से सूख जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेंटिंग अच्छे से सूख जाए। अगर थोड़ी सी चिपचिपाहट भी है, अगर चिपचिप कर रहा है पेंटिंग थोड़ा भी, तो आपको नहीं करना है। अगर अच्छे से सूख जाए तो आपको इस तरीके से ब्रश करना है, इसके ऊपर ब्रश को चलाना है, और जो भी छोटे छोटे डर्ट के पार्टिकल्स होंगे, हालांकि जिस तरीके से हमने शुरू में पेंटिंग को रखा था उससे बहुत हद तक धूल कम चिपकेगा, बट फिर भी कुछ पार्टिकल्स अगर लगते हैं तो इस तरीके से हम उसको साफ़ करेंगे। और ऊपर से ब्रश को इस तरीके से चलाते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, ताकि ऊपर के जो डस्ट हैं वो धीरे धीरे नीचे झड़ते जाएँ। और पेंटिंग को आपको सीधा खड़ा रखना है, नीचे सुला कर नहीं रखना, ज़मीन में ऐसे फ्लैट नहीं रखना, आपको ऐसे परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट रखना है ताकि धूल नीचे गिरे। आपको एकदम आराम से करना है, बहुत ताकत नहीं लगाना है, रगड़ना नहीं है ब्रश को अपनी पेंटिंग के ऊपर, बस आराम से सॉफ्ट हेयर वाले ब्रश से ऐसे करना है। मैंने यहाँ पे स्टैंड में इस पेंटिंग को अभी रख रखा है ताकि ये अच्छे से स्टेबल रहे, बट इसको आप आराम से ज़मीन पे भी रख के इस तरीके से कर सकते हो। सामने में जैसे मैंने बताया, सेफ्टी के लिए कुछ भी भारी चीज़ रख दीजिए ताकि वो स्लिप ना हो, और ये सेट हो गई। अब इसको आप आराम से इस तरीके से ज़मीन पे रख के क्लीन कर सकते हो। तो ये पेंटिंग अभी अभी बनाई थी आपने, वो सूखी, आपने इस तरीके से उसको करा तो वो साफ़ रहेगी। पर मान लीजिए आपकी पेंटिंग काफ़ी पुरानी है, आपने बहुत दिनों से उसको रख रखा है, धूल बहुत ज़्यादा चिपक चुकी है और वो सूख गया पेंटिंग, और उसमें धूल भी सूख गई है, वो ब्रश से भी नहीं निकल रही, तब आप उसको साफ़ करने के लिए लीजिए एक बर्ड। तो बर्ड्स का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है, आपको इसको अपने मुँह में रखना है, अपने सलाइवा का इस्तेमाल करना है आपको, और ये जब गीला हो जाए तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। आई नो अगर आपको पहली बार अगर आप ये टेक्निक देख रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या टिप है, पर ये रिकमेंडेड है काफ़ी सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के द्वारा, और मैंने खुद इसको ट्राई किया है, और ये काफ़ी सिंपल तरीका है यूज़ करने का, एक चीज़ जो आप अपनी पेंटिंग को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ किसी को ऑकवर्ड भी लग सकती है, तो उसके लिए आप मेरे पास एक और टिप है जो आपको मैं इसके बाद समझाता हूँ। पहले आपको देखिए, आप देखिए कि बर्ड से कैसे अपनी पेंटिंग को क्लीन करना है। तो ये एक मैंने बहुत पुरानी पेंटिंग ली है, करीब 7-8 महीने हो चुके हैं इस पेंटिंग को, और इस पर काफ़ी धूल जम चुकी है। तो पहले ब्रश से आपको क्लीन करना है, उसके बाद आपको ये इसको बर्ड से साफ़ करना है। और साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हमारे जो सलाइवा होता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, और काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं कि हम अपने सलाइवा का इस्तेमाल करके अपने वर्क को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बर्ड को एकदम आराम से यूज़ करना है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है पेंटिंग पे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धूल है वो निकल रहा है। जिसको ये वाली चीज़ ऑकवर्ड लग रही है वो ये चीज़ ट्राई करें, थोड़ा सा पानी लें और उस पर आप हैंड वॉश या फिर साबुन को थोड़ा सा घोल कर मिला लें, तो ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, थोड़ा सा हैंड वॉश लेना है आपको, अच्छे से उसको मिला लेना है, तो ये एक सोपी वाटर बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, एकदम सॉफ्ट कोई सा भी कपड़ा आप ले लीजिए, और वाइट कलर का अगर आप कपड़ा लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाइट कलर का कपड़ा क्यों चाहिए मैं आगे बताता हूँ आपको। इस तरीके से आपको कपड़े को इसमें डुबाना है, एकदम थोड़ा से लेना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है आपको कपड़े को, और एकदम प्यार से एकदम धीरे धीरे आपको इस तरीके से रब करके अपने जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डर्ट है आपको निकालना है, और बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है आपको। अगर टच करने से कलर निकल रहे हैं तो समझ जाइए कि पेंटिंग ढंग से नहीं सूखी है, इसको सूखने दें। और एकदम प्यार से अगर आप धीरे धीरे इसको इस तरीके से रब करोगे, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है कपड़ा को, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, तो आपको धूल दिखेगी और ये धूल अच्छे से नज़र आएगी आपको, इसलिए मैंने बोला था कि वाइट कपड़ा लीजिए वो बेहतर रहेगा,
ताकि आप देख सको कि धूल साफ़ हो रही है। तो ये मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ क्लिप्स जब मैं अपने कमीशन वर्क को क्लीन करता हूँ। तो ये एक कमीशन वर्क है जिसको मैं अपने बड़े ब्रश से क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि इस पेंटिंग की साइज़ बड़ी है। तो ये जो बड़ा वाला ब्रश मैंने लिया है उसके भी हेयर्स आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो कमीशन वर्क भी मैं जब करता हूँ तो उसके एकदम अच्छे से ड्राई होने के बाद इसी तरीके से मैं उसको क्लीन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने चीज़ आपको बताई हैं वो आप इजीली अपने पेंटिंग पे ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। अगर आप लोगों में से किसी के पास ऐसी पेंटिंग्स है जो बहुत महंगी महंगी हैं, आपने कहीं गैलरी वगैरह से परचेज़ किया हुआ है, किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का ओरिजिनल वर्क ख़रीदा है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि जो प्रोफेशनल होते हैं, जो जिनका रेस्टोरेशन का काम होता है, जो गैलरीज वगैरह में मास्टर वर्क्स को क्लीन करते हैं केमिकल्स वगैरह के केमिकल्स यूज़ करके, तो उनसे आप हेल्प लीजिए अगर आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो क्लाउडी अमोनिया है वो एक साफ़ सफाई के तौर पे उस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वो थोड़ा सा हार्मफुल है, वो थोड़ा इरिटेशन पैदा कर सकता है अगर आपकी स्किन पे वो लग जाए तो थोड़ा संभल के काम करना पड़ता है। क्लाउडी अमोनिया ये जो केमिकल है वो अवेलेबल होता है आसानी से, पर उसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। आप जो मैंने चीज़ें बताई है आप उसका इस्तेमाल करके अपनी पेंटिंग को आराम से साफ कर सकते हो। कई लोगों ने मुझसे वार्निश के बारे में पूछा था कि ऑयल पेंटिंग को वार्निश कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अगर आपको वार्निश करना जानना भी है तो उसके लिए आपको ऑयल पेंटिंग को पहले साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करने के बाद ही आप वार्निश कर पाओगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार समझ लोगे तो आप जब वार्निश वाली वीडियो जब देखोगे तो उस समय आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और उससे पहले आपको ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है कि अपने ऑयल पेंटिंग को साफ़ कैसे रखो आप। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।